हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल रेसिपी, एक ड्रिंक रेसिपी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत हद तक आपको हेल्प करता है वेट लॉस में। एंड दिस ड्रिंक इज कॉल्ड बुलेट प्रूफ कॉफी। ये ड्रिंक सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं, सेकेंडली जो अपना हंगर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको हर 2-3 घंटे में जिनको भूख लग रही होती है, एंड थर्डली उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा लो इन एनर्जी फील करते हैं, which leads to no physical activity, exercise नहीं हो पाती है, walking, running कुछ भी नहीं हो पाती है, and obviously उस वजह से weight gain हो जाता है। But before I share the recipe of this coffee, let me tell you, इस coffee को आपको एक standalone meal की तरह लेना है, as in आपको अपना breakfast skip करके ये coffee पीना होगा। It's not like कि आपने अपना breakfast खाया, sandwich खाया, पराठा खाया या पोहा खाया और उसके साथ ये coffee ली, नहीं। ये कॉफी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर ब्रेकफास्ट बिकॉज इट्स अ हाई कैलोरी ड्रिंक और इसमें काफी गुड फैट्स हैं जो कि आपको काफी देर तक फुल रखेगा। आपको बिफोर लंच जो भूख लग जाती है या आप कुछ खाने का मन कर रहा होता है, वो भूख एकदम खत्म हो जाएगी। देखिए, यूजुअली तो मैं हमेशा बेनिफिट्स बताता हूँ हर खाने के, हर एक्सरसाइजेस के या कुछ भी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसके। However, today I want to start with the downside of it. ये कॉफी आपका वेट लॉस में तभी हेल्प करेगा जब आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि as I said, ये कॉफी काफी हाई इन कैलोरीज है। Secondly, इस कॉफी को आप सिर्फ एक ही बार लीजिए दिन में, या I would suggest just have it 3 times or 4 times in a week, रोज भी मत पीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके इंग्रीडियंट्स क्या हैं और ये बनता कैसे है। So, obviously, सबसे पहले बिकॉज इट्स अ कॉफी, आपको कॉफी पाउडर चाहिए होगा। आई एम यूजिंग नेस्कैफे 1 से 2 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पी पाते हैं तो आप 1 टेबलस्पून से स्टार्ट करिए। मैं यूजली 2 चम्मच कॉफ़ी लेता हूँ। साथ में 1 कप यानी कि 250 ml पानी आप बॉयल कर लीजिए। इस पानी को इस कप में डालिए जिसमें कॉफ़ी ऑलरेडी डला हुआ है और इसको ढक के रख दीजिए एटलीस्ट 1 to 2 minutes, आई वुड से 2 minutes। अब जैसे ही कॉफ़ी को 2 मिनट हो जाए, आप या तो इसको एक जग में डालिए और हैंड ब्लेंडर यूज़ करिए, या तो आप अपने स्टील का ब्लेंडर लीजिए और उसमें डालिए। साथ में आप 1 चम्मच घी डालिए। हो सकता है इनिशियली आपको 1 चम्मच घी में दिक्कत हो तो आप 1/2 चम्मच से शुरू करिए। कोशिश करिए ये एक अच्छा घी हो, ऑर्गेनिक घी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे A2 घी यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैं ये वाला ऑयल यूज़ करता हूँ। इसको मैंने मिल्क बास्केट, एक ऑनलाइन ऐप है जहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया है, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट, दिस इज माय सेकंड बॉटल और काफ़ी अच्छा है। दिस इज 100% नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। और अब आप इसको 30 से 40 सेकंड ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें दूध नहीं है। इनिशियली हो सकता है आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा ना लगे, बट देन इट्स वेरी वेरी हेल्दी। एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा, आप जब भी ब्लेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ एक कपड़ा लीजिए और ब्लेंडर को ऊपर से ढक के रखिए। इससे जो लिक्विड बाहर आ जाता है कई बार, तो वो नहीं होगा और आपका किचन साफ रहेगा। बस इसको अब एक कप में पोर करिए और इसको गर्म ही पीजिए। सो है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी। बट फिर से मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, इसको प्लीज अपने ब्रेकफास्ट के साथ मत लीजिए, बट ब्रेकफास्ट को स्किप करिए और तब इसे लीजिए, तभी फायदा होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज लेट मी नो योर टेक इन द कॉमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से। टिल देन ध्यान रखिए अपना, खूब सारा पानी पीजिए दिन भर में, कैलोरी डेफिसिट मत भूलिए इस कॉफी के साथ, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बाय फॉर नाउ।